What's up guys? आज हम देखेंगे पाकिस्तान का लॉजिक, इंडिया हारेगा। अरे भैया, वर्ल्ड कप T20 मैच जो इंडिया का है आज, उसके ऊपर वीडियो आई एबी क्रिकेट इन्फो चैनल की, और टोबो का प्रेडिक्शन भी है, करेंगे एंजॉय। 1 2 3 गो। खतरा सर पे था, लेकिन हरामी मनसाला माने कैसे, हरम जिंदगी तो हमारे नस नस में थी। ओहो, ये कौन से वाले इंडियंस हैं भाई, जो अपनी ही टीम को पाकिस्तान के हाथों हरवाने पे लगे हुए हैं। अबे इन पाकिस्तानियों के पास खाने को दाने नहीं, पहनने को पजामा नहीं, खर्चने को पैसे नहीं, और कहीं से पैसे मिल जाएं तो वापस करने के नाम पे सिर्फ जी पेश कर देते हैं। डंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है, मेरी बबरो कुल है मटका दी आएगी, खींच के रखो मीटर, निर्णय की घड़ी अब आई है। रुक जाओ भाई, इनकी हरकतें दिखाऊं मैं, नंबर वन टीम की, नंबर वन बॉलिंग की हरकतें दिखाऊं इनकी, ये देख लो। ये सारी रात बैठ के बस ये इमेजिन करते रहे, खुद यूएसए से पिल के आ रही है ये नंबर वन टीम, पाकिस्तान के तीसरी फेल चौथी में गए नहीं वाले जर्नलिस्ट भाई साहब अलग अलग कारण दे रहे हैं इंडिया के हारने का। क्या कह रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान से हार जाएगा, इंडिया हार जाएगा, मतलब ये भी खुद नहीं हराएंगे। लॉजिक पता क्या दे रहे हैं, करे देखो, इतना सारा बेनिफिट होगा आईसीसी को इस मैच से, तो तुम्हें क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच और नहीं करवाएगी आईसीसी? मतलब इन भिखारियों को अपनी काबिलियत पे अभी भी भरोसा नहीं है, ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं भाई। हम इंडियन से पूछोगे ना कि पाकिस्तान को कैसे कैसे हराओगे, हम बात करेंगे भाई हमारे पास विराट है, रोहित भी तोड़ सकता है, ऋषभ पंत भी भाई साहब पगलाया हुआ है, हार्दिक अच्छा परफॉर्म कर देता है, सूर्य का भी कोई भरोसा नहीं है, बुमराह को भूल ही मत जाना, और बाकी दूसरे हर्षदीप को भी इग्नोर मत कर देना, स्पिनर भी अच्छे हैं, हम तमाम ये कारण देंगे। ये हम काफी क्लीन है खेलने के लिए। पाकिस्तान की ताकत क्या है वैसे तो भी, चलो क्रिकेट की बात कर लेते हैं, वैसे छोड़ देते हैं। देखो सैम अयूब एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, वो खेलेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस इन लोगों ने खत्म कर रखा है। इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरा माल है, इसके लिए तो मैंने 1.5-2 किलो नींबू मंगा लिए हैं। हाँ हाँ तंत्र विद्या, हाँ समझा करो तुम, इशारा काफी है, हाँ माना करो जरा। इसका और मेरा तो 36 का आंकड़ा है ना, व्हाइट लिपस्टिक को मैं संभाल लूंगा, बाकियों को एक आध को तुम देख लेना, नहीं तो मैं पकड़ के रखा ही हुआ हूँ इनको। ये तीसरी फेल चौथी में गई नहीं वाले जर्नलिस्ट कह रहे थे इमाद तो इंजर्ड है, अब कह रहे हैं खेलेगा। कल गैरी कस्टन ने आके कह दिया, कह रहा वो फिट है, खेलेगा वो। हारिस टेपिया भाई ये बहुत कंसिस्टेंट है, इतने कंसिस्टेंट लेवल पे इसने पाकिस्तान को मैच हरवाए हैं पिछले कुछ टाइम से, लेकिन फिर भी खेले जा रहा है, बने बनाए मैच की माँ बहन कर देता है, ये तुम भी जानते हो। टेपिया के बाद पेश है फुलटोसिया, शदाब फुलटोस खान, भाई ये ओगी को मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि इसका वैसे सत्यानाश हो रखा है, ये वैसे तो बैट से चलेगा नहीं, अगर इसने बैटिंग से 30 रन बनाए तो ये बॉलिंग से 55 दे के जाएगा। वीडियो इस भाई के घुटनों का ग्रीस खत्म हो रखा है, तो इसमें पता नहीं भाई कितनी जान बाकी है कितनी नहीं, वैसे एक आधा बार अच्छा डाल सकता है। गैरी ताऊ हमारे बारे में क्या कुछ बता देगा, कितना ही बता देगा, क्योंकि उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये 10 साल से क्यों नहीं ट्रॉफी जीत रहे इंडिया वाले। ये पाकिस्तान का सलमान खान, इसका बॉलिंग से वैसे ही विश्वास उठा हुआ है, इसको वैसे ही बैट्समैन बनना है, इसको अपने ससुर जी को भाई साहब मात देनी है। इफ्तिखार बड़ो, इसको बढ़िया क्वालिटी की शिला जितनी मिल रही, पहले तो लग रहा था कि शायद हाथों में बाजुओं में जान नहीं है, अब पता लग रहा है कि आंखें भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, बॉल इसके मुंह के आगे से निकल गया, पूरा मैच पाकिस्तान के सामने से निकल गया, यूएस से ले गई खींच के, ये यूं ही खड़ा रहा। फकर जमान थ्री व्हीलर भाई, ये रन बना सकता है, इसके पास वो इंपैक्ट भी है, इंटेंट भी है, लेकिन गेम सेंस नहीं है, समझ में नहीं आता कौन सी पे मारूं कौन सी पे छोड़ूं, हर बॉल पे ही कुल्हाड़ा चलाता है ये आदमी और अपनी टीम के लगवा देता है। अब मुझे तुम खुद बताओ भाई, अबे तो ये जीतेंगे कैसे भाई, कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कि पाकिस्तान जीत जाएगा? अब कह रहे नहीं जी पिच ऐसी है, पिच कुछ भी कर सकती है। यार हम छुनछने बजाने के लिए लेके जा रहे हैं क्या जसप्रीत बुमराह को, अर्शदीप को, सिराज को, हार्दू को, वो भाई साहब अपना रविंद्र जडेजा रॉक स्टार को, अरे मैं तो कह रहा हूँ इनको अक्षर पटेल ही लपेट देगा भाई। यार तुम छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हो, तो वो बोलता है ये टोबो बैक, टोबो बोलता है कि टोबो ने चारों तरफ आंखें फैला के देख ली है, लेकिन
ये मुझे भिखारी किसी भी एंगल से जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, एक तरीके से जीत सकते हैं, अगर इंडिया मतलब हम लोग भाई लोगों अपने बल्ले होटल में ही भूल के आ जाएं, तो फिर पाकिस्तान जरूर जीत सकती है। लेकिन इस पे काफी दबाव दिया गया है टोबो के द्वारा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दबाव ज्यादा है, गहराई पे ध्यान दीजिए, गहराई पे। देखिए टोबो ये भी मानता है कि किसी भी ओपोजिशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई हल्का है तो भैंस की आंख उसको ज्यादा सर पे क्यों चढ़ाना है, मुझे तुम खुद बताओ भाई लोगों। टोबो ने टोबो कर करके पूरा ढक्कन खराब कर लिया है अपना, लेकिन कोई बात नहीं, आज भारत का और ढक्कनों भारत का और पाकिस्तान का मैच है, बेधड़क तुम लोग भारत पे दाव खेल सकते हो। ये हुई ना बात, जीतेगा आज भैया इंडिया, 80% तुमको हिंदुस्तानी मिलेंगे, बाकी 10-15% भिखारी भी मिलेंगे ग्राउंड में, लेकिन उनको गुस्सा नहीं करना है, हो सके तो रोटी राटी भी खिला देना, पुण्य लगेगा, बेचारों ने देखी भी नहीं होगी कई महीनों से, IMF से लोन मिलने में भी थोड़ा टाइम मिलेगा पाकिस्तान को, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो, दीवारें दूरे चाट के आओ USA वालों की, और वहां पे अपना ओ अच्छा वेस्ट इंडीज तो तुम जा नहीं पाओगे यार, क्योंकि तुम तो बाहर हो जाओगे भाई। यार मतलब USA क्वालिफाई कर जाएगा। चलो जी एक फाइनल प्रेडिक्शन मारते हैं टोबो के द्वारा, देखिए कल ऑस्ट्रेलिया भी अपना मैच जीत गया है, तो वहां वैसे ही मेरे बबलू के लग गए हैं, मेरी बबरो जहां पे इकट्ठी होके बैठती है किसी के साथ भी साथ में बैठती है उसके भी साथ में घोड़े लग जाते हैं। टोबो फाइनल प्रेडिक्शन इज हियर, फाइनली अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा 18 रनों से ये मैच जीतेगा कोहली फॉर अ रीजन, 45 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यार, मतलब इतना फिर मजा नहीं आएगा ना, वन साइडेड हो जाएगा उस हिसाब से। अगर इंडिया डिफेंड करेगा मतलब बाद में अगर बॉलिंग करेगा नहीं ये तो बराबर होगी ना बात, हाँ ये तो टोबो फिर गालियां खाने वाला काम कर रहा है ना भाई, ये तो बात तो वही होगी, अगर दोबारा इंडिया बाद में बैटिंग करेगा, इंडिया पहले बॉलिंग करेगा बाद में बैटिंग, तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तब वो 120 रन बनाएंगे और इंडिया वो टोटल 2 विकेट खोके हासिल कर लेगा। अगर इंडिया चेज करेगा भयंकर बैटिंग करनी पड़ेगी, बाकी सॉरी गलती होगी थोड़ा माइक पे लग गया, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद टोबो को बुलाने के लिए, छुट्टी चाहिए टोबो का, टोबो छुट्टी मांग रहा है, और टोबो को इतना मिस करने के लिए। देखिए टोबो हॉस्पिटल में था, बहुत दिनों से बीमार था टोबो, लेकिन हम उसको बचा के ले आए, NPL ओपिनियन भाई आज का मैच इंटरेस्टिंग रहेगा, और ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का सफर आज ही खत्म हो जाएगा या थोड़ी सी सांस सूंस रहेगी, जहां तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान बाहर है इस बार, क्योंकि इन्होंने ये ज्यादा इन्होंने ट्रेनिंग ज्यादा कर ली ना आर्मी में, वहां से दिक्कत शुरू हो गई थी मुझे लग रहा है, प्लस ठीक है क्रिकेट है, क्रिकेट में होता रहता है, लेकिन USA ने जिस तरीके से इनकी एस्पेसी करी उस मैच में, इनका ब्लंडर कर दिया, इनका कॉन्फिडेंस चौकना चूर कर दिया, और भाई देखो USA को ये कोई भी सोच रहा होगा USA टीम है, उसके अंदर प्लेयर देखो आप, क्वालिटी प्लेयर्स है, इंडिया के इतने सारे प्लेयर्स है जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर है जिनको पता है, और ऐसा तो है नहीं कि रात को कहा होगा कि भाई कल 4-5 बंदे ले आइए टीम बना लेते हैं, वो भी मेहनत करके खड़े थे, चाहे किसी भी टीम में घुस जाओ जाके कितने सारे इन्हें नहीं जीतने, हाँ, और अब की बार कितने सारे पलटवार हुए आपने देखे होंगे वर्ल्ड कप में, भाई साहब साउथ अफ्रीका की हलक में टक जाता है मैच, या फिर आप देख लो श्रीलंका की एस्टेसी कर रखी है बांग्लादेश ने, या फिर आप कहोगे आयरलैंड बहुत गजब टीम बन के उभरी है, तो वही चीज है अफगानिस्तान ने भाई साहब न्यूजीलैंड को कह दिया अब अपना दौर आ गया इस तरीके से ना, अफगानिस्तान ने भी तो इंटरेस्टिंग रहेगा, टोबो काफी दिन बाद दर्शन हुए टोबो के, तो भाई मजा आ गया, बाकी आई होप बहुत गजब मैच हो, मजा आए देखने में, ऐसा ना हो कि सुस्त सा मैच,
मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। आप भी बता सकते हो भैया कि आप किस तरीके का मैच देखना चाहते हो, जैसे कि इंडिया सुन रही है, इंडियन टीम है, या ऐसी चीज सुन रही है, इनके हिसाब से स्क्रिप्ट लिख देते हैं आज। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।